देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हापुड़ में पुलिस ने चुनावी माहौल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में की छापेमारी। मुरैना में तहसीलदार अनिल राघव ने HBN न्यूज चैनल की सैटेलाइट पर जल्द आने पर दी शुभकामनाएं। जमुई बिहार में लुटेरों ने एक युवक के पेट में मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। मसूद अजहर पर यूएन में प्रस्ताव पेश करने पर अमेरिका से बोला चीन, सावधानी से करें काम। और पाकिस्तान ने कहा कि भारत की बताई 22 जगहों पर कोई आतंकी कैंप नहीं मिला। हापुड़ में पुलिस ने चुनावी माहौल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की, जिस दौरान 22 तमंचे, 3 रिवॉल्वर समेत हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए और साथ ही 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। हापुड़ में पुलिस ने चुनावी माहौल के मद्देनजर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की, जिस दौरान 22 तमंचे, 3 रिवॉल्वर समेत हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए और साथ ही 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि चुनावों में दहशत फैलाने के लिए इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल होना था और ये अवैध हथियार की फैक्ट्री थाना सिंभावली के गाँव मुरादपुर में चल रही थी। हापुड़ से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मुरैना जिले में बानमोर के तहसीलदार अनिल राघव ने HBN न्यूज चैनल के सैटेलाइट पर जल्द ही आने पर शुभकामनाएं मुरैना जिला संवाददाता अमर चंद जैन को दी। HBN नेटवर्क के द्वारा समाज सेवा एवं समाज में हो रही घटनाओं को समाचार के माध्यम से जनता तक पहुँचाने के लिए जो नया चैनल शुरू किया गया है, मैं उसको जल्द भविष्य की कामना करता हूं और यह कामना करता हूं चैनल से कि वह सदैव सत्य घटनाओं को दिखाने में कभी पीछे नहीं हटेगा, जिससे कि समाज के लोग न्याय कर सकें। मुरैना जिले में जिला बानमोर के तहसीलदार अनिल राघव ने HBN न्यूज चैनल के सैटेलाइट पर जल्द ही आने पर शुभकामनाएं मुरैना जिला संवाददाता अमर चंद जैन को दी। बिहार के सोनू थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम दहियारी पंचायत गांव में एक युवक को अपराधियों ने उस वक्त गोली मार दी जब युवक घर से बाजार जा रहा था और गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। जमुई बिहार दहियारी के युवक को लुटेरों ने पेट में गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का गंभीर आरोप पुलिस के पास भी पहुंचता है लूट का हिस्सा, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल जमुई मामला सोनू थाना क्षेत्र के ग्राम आदर्श ग्राम दहियारी पंचायत गांव के दिलीप यादव, जिनकी उम्र 31 साल है, उन्हें अपराधियों ने उस वक्त गोली मारी जब युवक घर से निकल कर वटिया बाजार जा रहा था। बिना लाइसेंस का सामान रखता है, बिना लाइसेंस पूरा गांव से भी हमरा पूछ सकते हैं। पूरा अगर गांव में एक भी आदमी बोल दिया हमने बारे में रिकॉर्ड, तो आप जो कहिए हम मान लेते हैं। लूट का पैसा वो लोग वहां भी पहुंचाते हैं जी। कौन कौन है गैंग का बताइए नाम उसका। वीरेंद्र है, बारसी लड़का पांच छह को है, उसमें बारसी नाम सोनू जानते हैं, सोनू और पिंटू, एक सोनू का एक जम्मू का है, वीरेंद्र स्टार और बारसी लड़का रखता है बहुत। ये लोग का गैंग जी कहाँ लूटपाट करता है? जंगल में अभी रंगबाजी ले रहा है, रंगबाजी रोक देता है तो लूटपाट करता है। अब उसके साथ हम नहीं रहे तो हमको गोली मार दिया। आप उसके साथ नहीं गए इसीलिए गोली जी? क्या नाम बताया आप? दिलीप यादव। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल युवक का एक्सरे किया जा रहा था। युवक के पेट में फंसी गोली, हाथ की हड्डी भी टूट चुकी है। घायल युवक दिलीप यादव ने बताया कि सड़क लुटेरा गैंग के वीरेंद्र, सन्नू, पिंटू, आवर, मंटू, कुछ बाहरी लोग जिसे वो पहचानते नहीं हैं, लुटेरे गैंग में मुझे शामिल होने के लिए दबाव बना रहे थे। किसी तरह उनके चंगुल से वो भाग निकले। अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया, ताकि अजहर का नाम काली सूची में डाला जा सके।
अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया ताकि अजहर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा सके। इसके बाद चीन का बयान आया है कि चीन ने अमेरिका पर इस प्रस्ताव को जबरन आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया। पुलवामा हमले में जैश का हाथ होने के और ज्यादा सबूत मांगने के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमें भारत की बताई 22 जगहों पर कोई भी आतंकी कैंप नहीं मिला। पुलवामा हमले में जैश का हाथ होने के और ज्यादा सबूत मांगने के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमें भारत की बताई 22 जगहों पर कोई भी आतंकी कैंप नहीं मिला। पाकिस्तान ने शुरुआती जांच की जानकारियां इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त से साझा की थी और इससे पहले भारत ने 27 फरवरी को दिल्ली में पाक उच्चायुक्त को पुलवामा हमले के संबंध में डॉजियर सौंपा था। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज़, जो सच वही खबर।